हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम दिनेश कुमार सिंह। वेलकम टू माय चैनल ग्रामर पॉइंट। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेकेंड पार्ट ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस इन दिस लेक्चर। वी शैल डिस्कस अबाउट यूज ऑफ लेट इन दिस लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम लेट के प्रयोग के बारे में अध्ययन करेंगे और इसमें लेट से तीन बातें जाहिर होती हैं। पहला है प्रपोजल, प्रपोजल मीन्स प्रस्ताव। सेकेंड आपका आता है रिक्वेस्ट और थर्ड आपका होता है ऑर्डर। तो जब लेट के बाद अस का प्रयोग होता है तो उससे प्रपोजल या प्रस्ताव जाहिर होता है। तो वहाँ सेट टू को हम प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदलते हैं। सेट टू को हम प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदलते हैं। इसमें हमेशा कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। यदि लेट के बाद अस का प्रयोग होता है तो उसमें कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। अब लेट के बाद जो अस आता है, अस जो है ऑब्जेक्टिव केस है। इस ऑब्जेक्टिव केस अस के स्थान पर हम बी या दे का प्रयोग करते हैं और उसके बाद शुड का प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्टिव केस अस को चेंज करके बी या ले मतलब दे या बी या दे का प्रयोग करते हैं और उसके बाद शुड का प्रयोग किया जाता है और शेष नियम हम एसर्टिव सेंटेंस की तरह से अप्लाई करते हैं। अब हम चलते हैं लेट वाले वाक्यों को कैसे बदलें। तो पहला आपका रूल है प्रपोजल। प्रपोजल मीन्स होता है प्रस्ताव। प्रपोजल मीन्स प्रस्ताव। अब अगर लेट के साथ अस का प्रयोग होता है तो इससे प्रस्ताव या प्रपोजल जाहिर होता है और इसमें पहला नियम यही है सेड आर सेड टू चेंज इंटू प्रपोज आर सजेस्टेड टू। प्रपोज या सजेस्टेड टू में बदलते हैं। प्रपोज या सजेस्टेड में बदला जाता है। इसको हम प्रपोज या सजेस्टेड में बदलते हैं। सेकेंड है बी यूज कंजंक्शन दैट। बी यूज कंजंक्शन दैट। हम दैट कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। और सी है तीसरा जो है वो ये है कि इन्वर्टेड कामा को हटाकर कनेक्टिंग दैट का प्रयोग करते हैं और ऑब्जेक्टिव केस अस अस को अस चेंज इनटू नॉमिनेटिव केस बी आर दे। बी आर दे आफ्टर दैट बी यू शुड। बी यू शुड। तो अस को हम बी या दे में बदलते हैं और उसके बाद शुड का प्रयोग करते हैं। तो प्रपोजल अगर है लेट के साथ अस का प्रयोग है तो निम्नलिखित नियमों का प्रयोग करते हैं। सेड या सेड टू को हम प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदलते हैं। और अगला नियम है बी यूज कंजंक्शन दैट।
इसमें हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं और ऑब्जेक्टिव केस जो होता है ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस अस चेंज इनटू नॉमिनेटिव केस बी आर दे में कन्वर्ट करते हैं उसके बाद शुड का प्रयोग किया जाता है जैसे हरी सेड लेट अस प्ले ये मैच अब हम एग्जांपल पर चलते हैं हरी सेड कामा इन टिकाओ में लेट अस प्ले ये मैच लेट अस प्ले ये मैच फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज अब देखिए हरी प्रपोज्ड क्या हो जाएगा हरी प्रपोज्ड सेट टू को किस में बदलेंगे प्रपोज्ड में सेट टू चेंज इनटू प्रपोज्ड दैट कंजंक्शन क्या लगाएंगे दैट यहां थर्ड पर्सन आए इस नाते ही मतलब दे का प्रयोग करेंगे दैट दे शुड प्ले ये मैच दे शुड प्ले ये मैच हरी प्रपोज दैट दे शुड प्ले ये मैच अब इसमें ध्यान देने की बात है सेड को हमेशा सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदलते हैं कंजंक्शन दैट का प्रयोग हमने किया लेट अस के नाते अस को किस में बदला दे में बदला और शुड प्ले ये मैच आपका बन गया दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं मोहन सेड टू हिज फ्रेंड लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक मोहन सेड टू Let us go out for a walk. Mohan said to his friend, "Let us go out for a walk." So Mohan suggested. Said to go किस में बदल देते हैं? Suggested his friend. His friend that conjunction क्या लगाएंगे that they should go out for a walk they should go out for a walk अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं कृष्णा सेड टू मोहन कृष्णा सेड टू मोहन कामा यूनिटेड गांव में लेट अस डिसाइड लेट अस डिसाइड आवर confusion once
confusion. One, and for all. And for all. So Krishna suggested to Mohan सेट टू को किस में बदलेंगे सजेस्टेड में मोहन दैट दे शुड डिसाइड दे के नाते और का देयर कंफ्यूजन वंस एंड फॉर ऑल और अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं तीसरा है I said to my friend, let us go to some holy place. I said to my friend, comma united comma, let us go to some holy place. अब इसमें आई सजेस्टेड टू माई फ्रेंड आई सजेस्टेड टू माई फ्रेंड सेड टू को किस में बदल देंगे सजेस्टेड में आई सजेस्टेड माई फ्रेंड टू माई फ्रेंड अब यहां सब्जेक्ट आई है इस नाते बी का प्रयोग करेंगे दैट बी शुड गो टू सम हाली प्लेस अब इसी में आगे हम चर्चा करते हैं और वो यह है कि अगर लेट अस नॉट का प्रयोग होता है तो वहां हम ऑब्जेक्टिव वा या वाज अगेंस्ट इट का प्रयोग करते हैं इसी में अगर लेट अस नॉट का प्रयोग होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं लेट अस नॉट के स्थान पर ऑब्जेक्टिव अथवा वाज अगेंस्ट इट का प्रयोग होता है हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं एग्जाम्पल ये है लेट अस गो टू द जू सेड मोहन लेट्स गो टू द जू सेड मोहन Said Mohan, let's not, said Radha, let's not, उस पर ध्यान देना है, let's not, said Radha, said Radha. अब यहां हमें देखना है, let's go to zoo. आओ हम लोग चिड़ियाघर देखने चले सेड मोहन मोहन ने कहा लेट्स नॉट सेड राधा राधा ने कहा नहीं अर्थात राधा ने क्या किया अपोज किया या राधा जो है मोहन के विचारधारा के विरुद्ध थी इसी को हम कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं
मोहन सजेस्टेड टू राधा, क्या हो जाएगा? मोहन सजेस्टेड टू राधा दैट दे शुड गो टू द जू. गो टू द जू. मोहन सजेस्टेड टू राधा, मोहन ने राधा को सुझाव दिया दैट दे शुड गो टू द जू. उन्हें कहाँ जाना चाहिए? चिड़ियाघर जाना चाहिए. बट राधा ऑब्जेक्टेड. बट राधा ऑब्जेक्टेड. एक तो ये हो गया बट राधा ऑब्जेक्टेड, लेकिन राधा ने विरोध किया. अथवा आर करके इसी को फिर दोहरा दीजिए, ये हो जाएगा मोहन सजेस्टेड टू राधा दैट दे शुड गो टू द जू बट राधा वाज अगेंस्ट इट. राधा वाज अगेंस्ट इट, राधा इसके विरुद्ध थी. तो दोनों से बनाया जा सकता है. अब हम चलते हैं, जो दूसरा पड़ाव है हमारा वो है आपका रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट पे चलते हैं. सेकेंड पर हम चलते हैं. सेकेंड हमारा है रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट मीन्स निवेदन. रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट मीन्स निवेदन. अब रिक्वेस्ट में अगर लेट के स्थान पर, लेट के स्थान पर अस का प्रयोग ना हो करके लेट के साथ मी का प्रयोग हो, तो इसे हम टू लेट में बदल देते हैं. किस में बदल देते हैं? टू लेट में बदल देते हैं. अथवा टू लेट के अलावा क्या कर देते हैं? दैट के बाद नाउन या प्रोनाउन लाते हैं. अथवा दैट के बाद नाउन और प्रोनाउन और माइट बी अलाउड टू का प्रयोग होता है. चाहे लेट को टू लेट में बदल दीजिए या दैट के बाद नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करके माइट बी अलाउड टू का प्रयोग कर दीजिए. और इसमें सेड टू को हम रिक्वेस्टेड में बदलते हैं. सेड टू चेंज इनटू रिक्वेस्टेड. सेड टू चेंज इनटू रिक्वेस्टेड. और लेट को टू लेट में बदलते हैं या दैट के बाद माइट बी अलाउड टू का प्रयोग कर देते हैं. एग्जाम्पल हम लेते हैं. ही सेड टू हिज ऑफिसर लेट मी गो होम. ही सेड टू हिज ऑफिसर कमांडेड कॉमे लेट मी गो होम. He said to his officer, let me go home. तो क्या हो जाएगा? He requested. Said to change into requested. He requested his officer to let him go home.
अथवा इसको हम कह सकते हैं ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर दैट ही माइट बी allowed to go. तो दोनों विधियां हैं, पहली विधि ज्यादा उपयुक्त है, लेट को टू लेट में बदल देंगे, और ये थोड़ा सा टेढ़ा है, तो जो भी आपको उपयुक्त हो दोनों विधियों से बना सकते हैं. इसी तरह से राम said to Mohan, कामायनुतिकाओं में let me sing a song. Let me sing a song. तो राम requested Mohan to let him sing a song. Ram requested Mohan to let him sing a song. अगला जो है हम चलते हैं, इसी में अगर प्रार्थना या सलाह हो और रिपोर्टेड स्पीच लेट डियर बी से शुरू हो तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं इसके बारे में हम देखते हैं. If reported speech begins with let there be, begins with let there be, किससे प्रारंभ होता है, let there be से प्रारंभ होता है, be change it that there should be. इसको हम किसमें बदलते हैं, let मतलब that there should be में कन्वर्ट कर देते हैं. और इसमें जो है advice or request का भाव होता है. क्या होता है, एडवाइज और रिक्वेस्ट का भाव होता है. तो हम एग्जाम्पल चलते हैं, ही सेड दे लेट देयर बी नो इंक्वायरी इनटू माय केस. ही सेड कामा इन टिकाओं में let there be no inquiry into the case. He said, let there be no inquiry into case. उसने कहा इस केस में ये कोई मतलब जांच पड़ताल नहीं होनी चाहिए. तो क्या हो जाएगा, He requested that there
there should be no inquiry into the case. There should be no inquiry into the case. Allah, he said, let there be no talk about her. He said, let there be no talk about her. तो यहां सलाह दिया जा रहा है. He advised that there should be no talk about her. There should be no talk about her. अब हम तीसरा आपका चलते हैं कमांड पे. तीसरा आपका आता है जो थर्ड इसमें है वो क्या है, कमांड या ऑर्डर. कमांड या आर्डर. तो कमांड या आर्डर होने पर क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू चेंज इनटू आर्डर. किसमें बदलते हैं, आर्डर्ड में बदल देते हैं. और बी है लेट के स्थान पर दैट के बाद नाउन या प्रोनाउन उसके बाद प्लस सुड प्लस वर्ब का प्रयोग होता है. यही नियम इसमें को लागू होता है. तो हम चलते हैं. The officer said to his clerk, comma noted comma में let no one come late. Let no one come late. अब यहां जो है ऑफिसर है तो ऑर्डर करेगा. सेट टू किस में बदलेंगे, ऑर्डर में. द ऑफिसर ऑर्डर्ड हिज क्लर्क that no one should come late. No one should come late. Agla, the king said, let the man be set free. The king said, let the man be free.
द किंग सेड लेट द मैन बी फ्री, उस आदमी को मुक्त किया जाए। द किंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर का भाव है। द किंग ऑर्डर दैट, लेट के स्थान पे दैट का प्रयोग, दैट द मैन शुड बी फ्री। द मैन शुड बी फ्री। तो इस तरह से हमने जो है इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में, दोनों पार्ट्स के बारे में चर्चा किया। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।